युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। विगत कई दिनों से जारी मानसूनी बरसात के चलते पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में जगह जगह पर पानी का भराव होता जा रहा है और प्रशासन नहीं दे रहा है इस ओर कोई ध्यान, जिसके चलते विभिन्न प्रकार की बीमारियों का ग्राफ भी होता जा रहा है ऊंचा। दिनों दिन राजकीय चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती संख्या दे रही है इसकी गवाही। चिकित्सालय प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकीय चिकित्सालय में प्रतिदिन 2000 से अधिक मरीज राजकीय चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के आ रहे हैं। अगर वार्डों की स्थिति की बात की जाए तो वार्डों में बेड की संख्या कम होती जा रही है और मरीजों का जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। वहीं चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी भी देखी जा रही है, जिसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है यहाँ के भर्ती मरीजों को। ये बात सही है कि इस टाइम में जो रोगियों की संख्या बड़ी है, ओपीडी में रोगी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस टाइम जो बीमार आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर वायरल फीवर के, खांसी जुकाम के पेशेंट आ रहे हैं। उल्टी दस्त के भी पेशेंट थोड़े बहुत हैं, लेकिन इतने आ रहे हैं तो वायरल फीवर का ज़्यादा प्रकोप है। फीवर के लिए प्रिकॉशन ये है कि मैं बात तो पूरी साउंड स्लीप लें और फ्लूड पिएँ और टाइम से दवाई लें, और कारण है जो अपन जो पानी का सेवन करते हैं वो साफ पानी पिए और दूषित भोजन वगैरह इसका उपयोग नहीं करें। और इसी आउटडोर है जो कम से कम 1000% के समथिंग तो पर डे। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।